हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। टैरो विद कृष्णा के इस नए सेशन में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं कि आपके जीवन का अंधेरा कब खत्म होगा। जो टॉपिक है, इसका जो टाइटल है, इस टाइटल से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अंधेरा से मतलब है कि जिस चीज को आप अपने जीवन का अंधेरा मानते हैं, वो आपका कैरियर हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, आपके मित्रवत संबंध हो सकते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, अपने बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप में आप अंधेरापन फील कर रहे हैं। मतलब जिंदगी के जिस हिस्से में आपको ऐसा लगता हो कि ये वाला लाइफ का पार्ट मेरा डार्कनेस में आ गया है, उस डार्कनेस में उजाला कैसे आएगा, आज की रीडिंग इसी के लिए है। तो जैसा कि अब आप समझ गए होंगे कि आज की रीडिंग में भी गाइडेंस थोड़ी सी होगी, और क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है कि अंधेरा कब खत्म होगा का मतलब है कि एक टाइमलाइन भी होगी। आज की जो रीडिंग है ये मेरे पिक अ कार्ड की अलग अलग रीडिंग्स की तरह से टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग होने की वजह से ये 70 से 100% के बीच आपसे रेजोनेट कर सकती है, और चूंकि ये टाइमलेस है तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहीं से इस टाइम को कैलकुलेट करें। लाइक अगर मैं इसमें किसी भी पाइल के लिए कोई टाइमलाइन बताता हूं कि इतने समय में आपको प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा, तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहां से टाइम को कैलकुलेट करें और ये वहीं से रेजोनेट करके आपके लिए फायदा करेगी। हर बार की तरह इस बार भी मैंने 3 पाइल्स ली हैं। तीनों पाइल्स अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। पाइल नंबर 1 है प्रिंसेस ऑफ द कप्स, पाइल नंबर 2 है प्रिंसेस ऑफ द स्वॉर्ड्स, और पाइल नंबर 3 है प्रिंसेस ऑफ द पेंटिकल्स। तो ये 1, 2, 3 पाइल्स हैं। अगर आपको प्रिंसेस ऑफ द कप्स, प्रिंसेस ऑफ द स्वॉर्ड्स और प्रिंसेस ऑफ द पेंटिकल्स में कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो इनके जो सिंबल्स हैं उनको आप चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 का पहला सिंबल है कप्स, क्योंकि प्रिंसेस कप्स की हैं। पाइल नंबर 2 का सिंबल है स्वॉर्ड्स, क्योंकि प्रिंसेस स्वॉर्ड्स की हैं, और इसी तरह से पाइल नंबर 3 का जो सिंबल है वो है पेंटिकल्स, क्योंकि प्रिंसेस पेंटिकल्स की हैं। जी हाँ, ये 3 पाइल्स जो मैंने ली हैं ये टैरो डेक से ली गई हैं। तो जिस प्रिंसेस के साथ आपको अपना जुड़ाव, अपना लगाव पहले महसूस होता हो, जो प्रिंसेस आपको पहले अट्रैक्ट करती हो, जैसा आपकी स्क्रीन पर तीनों प्रिंसेस एक साथ दिख रही हैं, तीन की तीनों प्रिंसेस अपने आप में काफ़ी अलग अलग पोजेस में हैं। लाइक प्रिंसेस ऑफ द कप्स बिल्कुल शांत मुद्रा में है, प्रिंसेस ऑफ द स्वॉर्ड्स उन्होंने सोर्ड को हाथ में लिया हुआ है लेकिन वायलिन की मुद्रा में है, वायलिन बजाने की मुद्रा में है, यानी तलवारों के बावजूद उनके अंदर संगीत के प्रति रुचि दिखती है। और प्रिंसेस ऑफ द पेंटिकल्स एक पेंटिकल हाथ में लिए हुए सोचनीय मुद्रा में है कि उनको अपनी लाइफ में आगे क्या डिसीजंस लेने हैं, लाइफ उनको किस ओर ले जाएगी और वे अपने जीवन में क्या करेंगी। तो ये तीनों प्रिंसेस में से जो प्रिंसेस आपको अट्रैक्ट करती हो, जिनके साथ आपको अपना लगाव फील होता हो, पहली बार में आपको लगता हो कि ये वाली पाइल आपको चूज करनी चाहिए, उसे ही अपनी पाइल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग ही आज की रीडिंग लिखें। तो दोस्तों, आपको फिर से बता दूं कि सभी पाइल्स के लिए, यानी तीनों पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिए गए हैं। अपने पाइल की वीडियो को देखने के लिए, अपने पाइल की रीडिंग को सुनने के लिए आप कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में जा करके टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके सीधे अपनी वीडियो पर पहुंच सकते हैं। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आपकी पाइल पर आप पहुंच जाएंगे। एक बार उन लोगों का स्वागत करूंगा जो मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं। हेलो, आप सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए। और वे सभी लोग जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनका मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो चलिए, समय नहीं गंवाते हैं और शुरू करते हैं, आपकी पाइल में मिलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बार बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहिए। जी हाँ, मैं पर्सनल प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूँ। तो आप अपनी लाइफ से जुड़े किसी प्रॉब्लम के लिए मेरी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज लिखें, मेरी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आपको हेल्प करेगी मुझसे कनेक्ट होने में, मेरे साथ बुकिंग करने में। तो अब आपकी पाइल में मिलते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या है टैरो की गाइडेंस, कि आपके जीवन का अंधेरा कैसे दूर हो सकता है। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर प्रिंसेस ऑफ द कप्स को चूज किया था तो आपके लिए अब मैं रीडिंग करने वाला हूं, क्योंकि आप पाइल नंबर 1 हैं। और देखेंगे कि आपकी लाइफ में अलग अलग, मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स में जो भी अंधेरा आप अपने जीवन में महसूस करते हैं, हर व्यक्ति के जीवन का अंधेरा बिल्कुल अलग ही सब्जेक्ट पर, अलग ही टॉपिक पर होता है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा टॉपिक लूँ जो मल्टीपल चीज़ों में आपको हेल्प कर सके, मल्टीपल चीज़ों में लोगों को मदद पहुँचा सके।
और अगर आपके जीवन में एक से ज्यादा अंधकार आप महसूस करते हैं तो आप दो पाइल भी चूज कर सकते हैं, लेकिन तीन पाइल एक साथ नहीं चूज करनी है, क्योंकि तीन पाइल चूज करने का मतलब गलत हो जाएगी रीडिंग। कोई ना कोई पाइल आपके साथ इस तरह से गलत तरीके से रेजोनेट होगी जो आपको कंफ्यूज कर देगी, तो बाकी की दोनों पाइल की रीडिंग भी आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे सुनने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पाइल नंबर वन, आपके लिए कार्ड नंबर वन मेरे पास जो आया हुआ है यह है क्वीन ऑफ द सॉर्ड्स। सेकंड कार्ड आपके लिए जो आया है किंग ऑफ द सॉर्ड्स, ग्रेट, क्वीन और किंग दोनों आ गए। थर्ड पोजीशन पर नाइट ऑफ द वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए टू ऑफ द वॉन्ड्स और लास्ट कार्ड आपके लिए आया है द हाई प्रीस्टेस। अब मजेदार बात यहां यह है कि पहले दो कार्ड सॉर्ड्स के हाउस से, दूसरे दो कार्ड्स वॉर्ड्स के हाउस से और लास्ट में हाई प्रीस्टेस। तो पाइल नंबर वन आपके लिए मेरे पास पांच कार्ड्स आ गए हैं और इन पांच कार्ड्स की जो इंटरप्रिटेशन मेरे पास आ रही है, जो ये मुझसे बता रहे हैं, वो ये कि आपके जीवन में जो अंधेरा है उसमें थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी है, लेकिन इस अंधेरे की वजह से, मैं अंधेरा करके ही बात करूंगा क्योंकि टॉपिक ऐसा है तो मैं टॉपिक के सब्जेक्ट को ही यूज करूंगा, उसे आप अपनी लाइफ के उस डार्कनेस से रेजोनेट करें जिसके बारे में आप वीडियो को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी गलती आपकी थी, शुरुआत में आपने चीजों को उतना मैनेजेबल नहीं बनाया और थोड़ी सी आक्रामकता दिखाई, लेकिन आपकी आक्रामकता या आपकी दूरंदाजी, आपकी दूरदृष्टि काम नहीं आई और आप एक ऐसी सिचुएशन में जाकर के फंस गए जहां आपको एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ के किस ओर जाएं, किस ओर मुड़े, क्या करें क्या ना करें। एक अबूझ पहेली सा आपका जीवन इस समय बना हुआ है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज है कि अगर आपने शुरुआत में, जैसे शुरुआत में आप टफ हुए, फिर वो टफनेस थोड़ी सी बढ़ गई, याद है आपको, आपने एक टफ डिसीजन लिया और अपनी टफनेस को और बढ़ा दिया, अपनी हार्शनेस को और कड़ा कर दिया, तो उस हार्शनेस, उस कठोरता के रवैये की वजह से एक तो ईगो प्रॉब्लम हो गई कि आप वहां से अब डाउन नहीं आ सकते थे, और दूसरे समस्या ये हो गई कि आपको अपनी इमेज भी बचाए रखनी थी, बनाए रखनी थी। दोनों ही चीजों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया और इस कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा ये होने लगा कि आगे आप कैसे बढ़ें, क्या करें और क्या ना करें, एक पेशोपेश बन गया। बट वर्तमान की जो पोजीशन बनी है, भविष्य इससे थोड़ा सा इतर है, अलग है। भविष्य तो अलग होता ही है, भविष्य वो होता है जो आपके लिए तय किया गया है, आपके लिए ईश्वर ने सोच रखा है, बस आप थोड़ी सी गलतियां करके उस पैटर्न को ना बिगाड़ दें जो भविष्य को सुनिश्चित करेगा। तो उस पैटर्न को ना बिगाड़ने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने आप में थोड़ी सी हिम्मत जुटानी है कि इस परिस्थिति का आप सामना कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको ये सोचना है कि ये परिस्थिति इतनी मुश्किल, इतनी दुरूह नहीं है, इतनी प्रॉब्लमेटिक परिस्थिति नहीं है जिससे निकला नहीं जा सकता। तीसरी चीज, जब एक बार आप ये मान लेंगे कि ये चीजें मैनेजेबल हैं, तो एक्चुअली आपको मैनेज करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज जरूर है और वो ये, जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं, कार्ड जब हाथ से गिरता है दैट मीन्स अभी शफलिंग बाकी है, तो शफलिंग अभी और करनी पड़ेगी, तब तक मैं बता रहा हूं, मैं रीड कर रहा हूं, तब तक शफलिंग एक तरफ चलती रहेगी। तो दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था कि आपको अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत होगी, नई चीजों को एक्सेप्ट करने की जरूरत होगी और पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं से या रूढ़िवादी चीजों से बाहर निकलने की जरूरत होगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मुझे पता है, मैं इसको थोड़ा इजी करता हूं। जो कुछ आप सोचते हैं कि जिस तरीके से काम करके अपनी समस्या से बाहर निकलेंगे, ये है रूढ़िवादी तरीका, ये है पुराना कस्टम, पुराना तरीका। पुराना तरीका काम नहीं आएगा। पहले क्या करते थे, जमीन खोदने के लिए फावड़ा लेकर के खोदते थे, अब क्या है, अब क्रेन्स आ गई हैं, तो क्रेन से काम होता है। अब कोई कह नहीं जी हम तो ट्रेडिशनल फावड़ा ही चलाएंगे, तो समय ज्यादा लगेगा ना, क्रेन से समय कम लगता है। तो आपको अपने तरीकों में थोड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है, अगर आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं। देखिए, दो चीजें हैं परिवर्तन के लिए तैयार हैं, मैं दो चीजें जुड़ी हैं, क्या, पहला आपको अपने तरीकों में परिवर्तन करना है और दूसरा जो आउटपुट आएगा निकल के उसमें भी परिवर्तन होगा, तो उसके लिए भी तैयार हो जाएं। तो आपको दो तैयारी करनी है, अपने
कार्यों में परिवर्तन करना है, और जो चीज आपके कार्यों के दौरान जब आप कुछ करेंगे तो उसका रिवर्स भी आएगा, तो वो जो रिवर्स आएगा वो भी आपके सोचे हुए तरीके, सोचे हुए पैटर्न से बिल्कुल अलग आएगा। तो उसके लिए भी अगर आप तैयार हैं तो चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं। लेकिन अभी जिस सिचुएशन का आप सामना कर रहे हैं और इस अबूझ पहेली में आपको एक्चुअली नहीं पता कि आप क्या करेंगे, यहां पर आपको दूसरों को बिल्कुल पता नहीं लगने देना कि आपके भीतर पक क्या रहा है। क्योंकि अगर दूसरों को आपने ये पता लगने दिया कि आपके भीतर क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, तो दूसरे उस सिचुएशन का, जो आप जिस सिचुएशन में आप अभी हैं, अपने फेवर में फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि लोग हमेशा ही फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। जेन कार्ड से पहला कार्ड मेरे पास आया है सक्सेस। सेकंड कार्ड आपके लिए जो आया है इसका नाम है एग्जर्शन। और तीसरा कार्ड आपके लिए आया है अवेयरनेस। कार्ड नंबर फोर आपके लिए जो आ रहा है ये है शेयरिंग। और नंबर फिफ्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है इनवॉइस, इनर वॉइस। एक्चुअली थोड़ा सा एक्सेंट में चला गया था। चलिए, पांच कार्ड जेन से भी आ गए मेरे पास। अब डीप इंफॉर्मेशन आएगी और जेन से बहुत बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी गाइडेंस आई है। सबसे पहली गाइडेंस तो आपके लिए ये आई है कि आप अपने आप से झगड़ना बंद कर दें। सिचुएशन आपके फेवर में है नहीं है, क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते ना। अगर फेवर में है तो फेवर में, नहीं है तो नहीं है। अभी आपका जोर नहीं चल रहा तो खुद से झगड़ना बंद कर दें, पहला काम। दूसरा, जो आप सोचते हैं और आपको लगता है कि ये मेरी सोच है लेकिन दूसरों को ठीक नहीं लगेगी, उसमें दूसरे इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि सोच आपकी है, तो अपनी सोच से घबराना बंद कर दें। तीसरा, जब आप सफलता अर्जित करनी शुरू करें, अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना शुरू करें, तो ध्यान रखें कि जब आप बाहर निकलते हैं किसी बुरी सिचुएशन से तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। जब आप फंसे होते हैं तो लोग मजे लेते हैं। जैसे अगर आप गिर पड़े कभी तो सबसे पहले लोग हंसना शुरू कर देंगे अगर आप गिर पड़े तो। और जब आप खुद जमीन पर हाथ लगाकर उठने की कोशिश करते हैं तो तीन लोग दौड़ कर आएंगे आपको उठाने के लिए। ये अक्सर होता है। अब आप ऑफिस में हो, घर पे हो, कभी गिर जाएं तो घर में भी लोग हंसते हैं, ऑफिस में भी लोग हंसेंगे, कह रहे गिर पड़े, अरे क्या हो गया क्या हो, लेकिन फिर तुरंत आ जाएंगे। उसमें कुछ सेकंड्स का ही फर्क है, मिली सेकंड्स का भी फर्क हो सकता है। लोग हंसते इसलिए नहीं है क्योंकि आप हंसी के पात्र हैं, लोग हंसते इसलिए हैं क्योंकि कुछ एबनॉर्मल हुआ। हंसी तभी आती है जब कुछ अलग हो जाए। जोक सुनते हैं, जोक सुनने के बाद हंसी इसलिए आती है कि आपने जो उम्मीद करी थी वो नहीं आया, कुछ और आ गया, इसलिए हंसी निकल जाती है। तो ये सडन है। तो अवेयरनेस आपकी जो है वो सडन नहीं है, इसको पहले तो समझें। आपकी अवेयरनेस सोची समझी है और अपनी अवेयरनेस को आपको पूरी तरह से कंप्लीटली फुलफिल करके अपने ऊपर लागू करना होगा। दूसरे, जब चीजें आपके पास, मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि आनी शुरू हो तो क्या करना है, जब चीजें आपके पास आनी शुरू हो, कुछ नया आता है, आपको फायदा होता है, आपको लाभ होता है, आप सिचुएशन से बाहर आते हैं, तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अवेयरनेस में पूरी तरह रहना है, यहां पर सोना नहीं है। यानी वही लोग आपकी हेल्प करने आएंगे जिन लोगों ने आपकी हेल्प पहले नहीं करी थी, जो हंस रहे थे। रिलेट करिए चीजों को, भले कुछ सेकंड्स का फर्क है, आप गिरे, लोग हंसे, अगले पल आपने हाथ जमीन पर रखा, खुद को पुश अप किया, तीन लोग आकर पकड़ लिए, वही तीन लोग जो आपके ऊपर हंस रहे थे, तो ये भूलना नहीं है। इसलिए मैंने कहा अवेयरनेस, अवेयर रहिए कि ये वो तीन लोग हैं जिन्होंने थोड़ी देर पहले मेरे ऊपर हंसा था, भले एक सेकंड के लिए हंसा था बट हंसा तो था। अब वे क्या कर रहे हैं? आपकी हेल्प कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अब ये समझने की बात है। इसीलिए थोड़ा सा मैंने खींचा बात को ताकि पूरी तरह से बता सकूं। लोग आपके ऊपर हंसे इसलिए क्योंकि कुछ एबनॉर्मल हुआ और आप गिर गए, आप एक बुरी कंडीशन में थे तो लोगों की हंसी छूट गई। आप अगर खराब सिचुएशन में हैं, एबनॉर्मल सिचुएशन में हैं, तो लोग मजे लेंगे। जैसे ही आप उस सिचुएशन से निकलना शुरू करते हैं, हेल्पिंग हैंड्स आगे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी उस सफलता में, आप जमीन पर से उठ जाएं तो सफल हुए ना एक तरह से, उस सफलता में शेयरिंग चाहिए लोगों को। ये इंटेंशनली नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली होता है। जरूरी नहीं कि उन लोगों का इंटेंशन ऐसा हो कि लाओ हम शेयरिंग ले लें, ये एक ह्यूमन नेचर है जो होता ही होता है। लेकिन आपको क्या करना है? इन सारी चीजों के प्रति अवेयरनेस रखनी है, वॉच आउट करना है। कुछ कहना नहीं है, किसी से बदला नहीं लेना, सिर्फ जानते रहिए। जानते रहने से क्या होगा? आप प्रैक्टिकल होते जाएंगे, इमोशनल थोड़ा कम होंगे। जिन लोगों ने मदद करी आपको उठने में, आप उठ तो खुद भी रहे थे, कोई नहीं आता तो खुद भी खड़े हो जाते, है ना। लेकिन जब उन्होंने हेल्पिंग हैंड दी और आपने पकड़ा दिया हाथ, तो फिर आप उठ गए, और जब उठ गए तो आप कृतज्ञ हो गए, एहसान लग गया आपके ऊपर।
उस एहसान का जो बदला है वो बहुत ही दुष्कर भी हो जाता है कभी कभी, आपको तो पता ही होगा। तो अपने अंदर इस चीज की गिल्ट ना बनने दें कि लोगों ने आपकी एक्चुअली हेल्प करी। फील करें, सोचें कि क्या मैं सचमुच इनकी हेल्प ले रहा हूं, ले रही हूं, या मुझे हेल्प की जरूरत नहीं, मैं खुद से कर सकती हूं। ये सोचने की बात है। सिचुएशन जैसा मैंने बताया कि आपको मैं बताऊंगा कि इस अंधकार से आप कब बाहर निकलेंगे। दो चीजें हैं, वो दोनों चीजें ठीक से समझ लें। पहली चीज है कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी सिचुएशन है जो पिछले 5 सालों से या 3 सालों से, 3 से 5 साल का स्लॉट लीजिए, मतलब एक एवरेज लीजिए, 3 साल से 5 सालों से लगातार चली आ रही है, अगर ये 3 से 5 सालों तक चली आ रही है लगातार, तो इस सिचुएशन से निकलने में आपको अभी 2 साल का समय लग सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जिसमें अभी आपको बहुत इंप्रूवमेंट करनी है। वो भी बता देता हूं इंप्रूवमेंट क्या करनी है। पहले आपको अपनी उत्सुकता को बढ़ाना है, अपने ज्ञान को थोड़ा आगे ले जाना है, और कुछ अपने अंदर बदलना है। आप वो पहले वाले इंसान बनकर इस सिचुएशन से बाहर नहीं जा सकते, नो एग्जिट है। इसलिए आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना है, व्यक्तित्व तो अपना थोड़ा बदलना है, पर्सनैलिटी वाइज थोड़ा चेंजेस लाना है। लेकिन अगर इस सिचुएशन में आप पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से ही हैं, तो 2 महीने के अंदर इस सिचुएशन से बाहर चले जाएंगे। और ये कम क्यों है, वो ज्यादा क्यों है, ये भी डिफाइन कर दो, नहीं तो लोग परेशान होंगे कि अरे 2 साल से 3 साल से फंसे हैं तो 2 साल लगेगा, 1 महीने से हैं तो 2 महीने लगेंगे। होता क्या है कि जब आप किसी, सिंपल सी बात है, जैसे इसको कैसे समझाऊं, सपोज करिए कि एक घर है, छोटा सा घर है, अब आपको कहा गया कि जी इसको तोड़ना है तो आपको कम समय लगेगा, लेकिन एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और उसे तोड़ना है, तोड़ने के लिए हथौड़ा ही है, चीज वही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए फिर क्रेन लेकर आएंगे तोड़ने को या ब्लास्ट कर देंगे, वो तो बहुत अलग चीजें हैं, तोड़ना हथौड़े से ही है, तो बड़ी चीज को तोड़ने में समय लगेगा। अब 2 साल का समय इसलिए लग रहा है क्योंकि सिचुएशन इस तरह की है कि न सिर्फ आपको बल्कि सराउंडिंग लोगों को भी प्रभावित करेगी, अभी इसमें लोग जुड़े हुए हैं, और इसलिए उस प्रभाव को पूरी तरह से आने में 2 साल का समय लग जाएगा। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में पिछले कुछ महीनों से ही हैं, तो 2 महीने में यह सिचुएशन खत्म कैसे हो सकती है वो बताता हूं। सबसे पहला काम कि आपको इस सिचुएशन में दूसरों की परवाह नहीं करनी। अगर कुछ महीने से इस सिचुएशन में फंसे हैं तो सिर्फ अपनी परवाह करें और आगे बढ़ते चले जाएं। जब आप अपनी परवाह करके आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इस सिचुएशन से निकलना आसान हो जाएगा और दूसरे लोगों का इसमें अटैचमेंट हो नहीं पाएगा। जब दूसरे लोग इस सिचुएशन से अटैच नहीं हो पाएंगे तो इसको इस तरह समझें, जब तक वे समझते कि मामला क्या है और इसमें वे जुड़ जाते तब तक तो आप इस सिचुएशन से बाहर हैं। तो इसलिए समय कम लगेगा और इसलिए समय ज्यादा भी लगेगा। अपने दिल की बात, जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उसकी बात, जो परिवर्तन आप करना चाहते हैं उसकी बात, जो प्लान आप बना रहे हैं उसकी बात, सब कुछ हाइड रखना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। और आपका दिल जो कहता है वो जरूर करना है। इस पूरे सिचुएशन से निकलने में सबसे बड़ा रोल प्ले जो होगा वो आपके दिल का होगा। आपका दिल आपको हमेशा रास्ता दिखाएगा कि इस रास्ते पर जाना है और इस रास्ते पर नहीं जाना है। अगर अपने दिल की बात को आपने इग्नोर किया तो काफी ज्यादा नुकसान होगा। और बंद करते करते किंग ऑफ द शॉर्ट्स और क्वीन ऑफ द शॉर्ट्स ने एक और बात बताई है कि जिन लोगों की वजह से आपको लॉस हुआ, जिन लोगों की वजह से आप इमोशनल डिस्टर्ब हुए, किसी को कोई पनिशमेंट नहीं देनी। मैंने एक बार बताया था ना कर्मफल के बारे में, कि कर्मफल तब उनको अफेक्ट करेगा, तब उनको नुकसान पहुंचाएगा जब आप बीच में नहीं होंगे। अगर आप बीच में तो कर्मफल आपसे टकरा के वापस चला जाएगा कि ये है देख लेंगे, हमारी जरूरत नहीं है। मैंने एक कहानी भी सुनाई थी कृष्ण और कर्मफल की, जो मेरे स्टोरी वाले चैनल पर है, जिन लोगों ने नहीं देखा वहां जाकर देखें और समझे कि कर्म का फल क्या होता है और कई बार बुरे लोगों को उनका कर्मफल क्यों नहीं मिल पाता। तो खैर, आज की रीडिंग इतनी ही, पाइल नंबर 1 आपके लिए। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है, और साथ ही साथ इस चैनल को शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, कुछ लाभ हो सके। लेकिन अपना लाभ पहले देखना, पहले खुद देखिए फिर भेजिए, ये नहीं कि पहले भेजिए फिर देखिए। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर टू, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर प्रिंसेस ऑफ द स्वॉर्ड्स को चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर है टू। और अब आपके लिए रीडिंग करूंगा और देखूंगा कि आपकी लाइफ में जिस क्षेत्र में आपको अंधेरापन महसूस होता है उससे बाहर निकलने के लिए क्या गाइडेंस आई है टैरो की। तो चलिए आज के वीडियो को आज की रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर टू शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें। पाइल नंबर टू आपके लिए कार्ड नंबर वन है फोर ऑफ द पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ द पेंटिकल्स। आपके लिए थर्ड कार्ड आया हुआ है पेग ऑफ द वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए एट ऑफ द स्वॉर्ड्स। और लास्ट में आपके लिए जो कार्ड आया है ये है द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस पाइल नंबर वन में भी लास्ट में आई थी तो यहां पर भी आ गई हैं। हाई प्रिस्टेस एक तरह से समझिए रूल करना चाहती हैं आपकी सिचुएशन को और आपको एक्चुअली हेल्प करना चाहती हैं कि इस सिचुएशन से आप बाहर आ जाएं। तो पाइल नंबर टू, इनसिक्योर फीलिंग बहुत ज्यादा थी और उस इनसिक्योर फीलिंग ने आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा किया। आप अपने आप में आगे बढ़ने के लिए प्रिपेयर तो हुए लेकिन रास्ते इस तरह से एक तरह से कहें तो मैस हो गए कि आप अपने ही जाल में फंसते चले गए या अपनी ही सिचुएशन में इस तरह उलझते चले गए कि उस सिचुएशन में आप अभी भी उलझे हैं और आप समझा नहीं सकते कि ये उलझन कैसी है, इस उलझन से निकले कैसे और इस उलझन का सामना कैसे करें। क्योंकि आपको लगता है कि इस उलझन में आप सिचुएशनली आ गए हैं लेकिन जब आप सोचते हैं तो आपको फील होता है कि इसमें इस सिचुएशन में जाने के पीछे आपका भी अपना हाथ है। लेकिन अब उस इनसिक्योर फीलिंग की बात हम फिर से एक बार करेंगे जो शुरुआत में आपके लिए थी। उस इनसिक्योर फीलिंग के साथ साथ अपने ऊपर जो डाउट था वो डाउट अभी भी बरकरार है। और डाउट जो था, डाउट का मतलब होता है शक अपने ऊपर। कभी कभी शक होता है ना, कह रहे मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो वो जो शक है कि हमारी काबिलियत इतनी कैसे हो सकती है, उस शक ने भी आपको काफी परेशान किया है। और वो शक आपको हमेशा परेशान करता रहा जब आपने योजनाएं बनाई, योजनाओं को टाल दिया। जब आपने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करी, उस शक की वजह से आपकी इम्प्रूवमेंट नीचे हो गई। और अब जब आप इस सिचुएशन से बाहर जाना चाहते हैं तो वो शक आपको बाहर नहीं निकलने देता। वो शक आपको कहता है कि नहीं, दरवाजा तो बंद है, दरवाजे पर तो ताला है। जैसे मैंने वो स्टोरी में बताया था ना, मंत्री और दरवाजा, कि जी दरवाजे पर तो ताला है। तो वही फील हो रहा है आपको और उस फीलिंग को लेकर के आप बहुत ज्यादा अपने आप में डिप्रेस हो रहे हैं। लेकिन फ्यूचर आपके लिए ब्राइट है क्योंकि हाई प्रिस्टेस आई है। और हाई प्रिस्टेस का जो यहां पर आपके लिए मैसेज है वो सिंपल, प्यारा और बढ़िया मैसेज है। तो मैसेज उनका ये है कि अगर आप अपनी सिचुएशन में स्टक हैं और यहां से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले इस सिचुएशन के साथ तालमेल बिठा लें। जब तक सिचुएशन के साथ तालमेल नहीं बिठाएंगे तब तक सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे समझे आप एक बिना ड्राइवर की गाड़ी में हैं, गाड़ी चली जा रही है और आप चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, कोई बचा पाएगा आपको? नहीं ना। लेकिन आप तालमेल बिठा लें, ड्राइवर की सीट पे बैठ जाएं तो कुछ चांसेस बनेंगे। कैसे बनेंगे? क्या पता आपको चलानी नहीं आती तो भी गलती से ब्रेक पर पैर पड़ जाए और रुक जाए गाड़ी, या गाड़ी गलत दिशा में जा रही हो, आप गाड़ी को घुमा ले जाएं और गलत दिशा में जाने से बच जाएं। तो वो तभी होगा जब आप ड्राइवर की सीट पे चले जाएंगे। तो मतलब सिचुएशन के साथ तालमेल बना लेंगे और सिचुएशन को अपने जीवन का एक हिस्सा मानना शुरू कर देंगे क्योंकि ये है तो आपके जीवन का हिस्सा, आप नकार तो सकते नहीं है। लेकिन नकारेंगे तो फिर जाएंगे कहां? तो ये जो अंतर्द्वंद है, अंतर्द्वंद की इंग्लिश क्या होती है, खुद से झगड़ा करना, इसको ऐसे ही समझें। तो जो ये खुद से झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े को एक्चुअली बंद करके फ्यूचर के लिए आपको रेडी हो जाना है। जैसे ही आप फ्यूचर के लिए रेडी हो जाते हैं चीजें आपके फेवर में मूव करने लगेंगी। और वे चीजें जब आपके फेवर में मूव करेंगी तो रास्ते आपको सही तरह से क्लियर होते चले जाएंगे। और आपके जेन कार्ड से मैं जब कार्ड निकालता हूं तो पहला कार्ड आता है आइसोलेशन, जिसे इंटरप्रेट करना है फोर ऑफ द पेंटिकल्स के साथ में। फोर ऑफ पेंटिकल्स खुद उदास पड़ा है और आइसोलेशन अलग से आ गया। दूसरा कार्ड आ गया है कंप्रोमाइज, ये है किंग ऑफ द पेंटिकल्स के लिए। और पेग ऑफ द वॉन्ट्स के लिए आया है स्ट्रेस, स्ट्रेस का कार्ड एक है। चलिए अब आता है चौथा कार्ड जिसका नाम है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का जो कार्ड है ये इंटरप्रेट करेगा एट ऑफ द वॉन्ट्स के साथ में और बिल्कुल सही सही चल रहा है आपके लिए। और लास्ट में आपके लिए आ गया है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का जो कार्ड है ये हाई प्रिस्टेस के साथ इंटरप्रेट करने वाला है।
चलिए देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन आ रही है। फ्लोरिंग के कार्ड पर एक लेडी हैं जो कमल के फूल के ऊपर आसन लगाए हुए हैं, विराजमान हैं। तो पाइल नंबर टू जेन कार्ड्स और टैरो राइडर वाइट की जो टैरो डेक है, इन दोनों के जो इंटरप्रिटेशन आपस में टकरा रहे हैं, उससे जो निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर आप पुरानी गलतियों, पुरानी सिचुएशन, पुरानी भूलों, लोगों की पुरानी गलतियों, लोगों के पुराने तानों को अभी भी पकड़कर बैठे हुए हैं तो आप समझ गए, उस चीज को छोड़ दीजिए, उसका कोई काम नहीं है आपकी लाइफ में। वो चीज तो हो चुकी, अब उसको अभी भी पकड़कर बैठे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो ताने थे, वो जो पुरानी समस्याएं थी, वो जो लोगों ने आपको दिल में हर्ट किया है, उसे पकड़कर नहीं चलना है, बस याद रखना है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, मैं समझाता हूं कैसे। दोनों में फर्क यह है कि अगर आप उसको पकड़ करके चलते हैं तो वो चीज आपको तकलीफ देगी, लेकिन अगर आप उसको याद रखते हैं तो वो इंसान आपको याद रहेगा जिसने आपको दिल से हर्ट किया था। और वो इंसान अगर याद रहता है जिसने आपको हर्ट किया था, तो आपके लिए उस इंसान से दोबारा धोखा खाना पॉसिबल नहीं होगा, समझ गए। इसलिए सिचुएशन को याद रखिए, बट उसके साथ गोथ्रू मत होइए। वो छूट गया छूट गया, जाने दीजिए उसको, मन में कोई क्लेश मत लाइए, बट याद रखिए किसकी वजह से क्लेश था, ये नहीं भूलना है, ठीक है। ओके ओके ओके। और अगला देखिए, एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप अपनी डार्क सिचुएशन से बाहर आते हैं तो आपको अपने आप को दूसरों के कंपेयर में रखना नहीं है। बाहर किसको निकलना है? आपको। अगर दूसरा फंस जाता है तो उसे फंस जाने दीजिए थोड़ी देर के लिए, पहले आप बाहर निकल जाएं। इसको बिल्कुल ऐसा समझें, कभी कभी होता है आपके मन में आता है ना कि आप अपनी सिचुएशन को तो हैंडल करना चाहते हैं लेकिन दूसरे को उसकी मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहते। आपका अच्छा स्वभाव कभी कभी आपको बड़ा परेशान कर देता है, तो इस अच्छे स्वभाव का क्या करना है? इस अच्छे स्वभाव का यही इतना करना है कि पहले तो खुद बाहर निकलें, फिर दूसरे को बाहर निकालें। पहले खुद मदद करने लायक हो जाएं तब मदद करें, अभी तो आप खुद फंसे हैं तो मदद कहां से करेंगे। इंपॉर्टेंट यह है कि आप जब लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। वैल्यूलेस हेल्प नहीं करनी है। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं करता और आप हेल्प कर रहे हैं तो आप बुद्धू हैं, आपको बुद्धू नहीं बनना है आपको। इसलिए मैं कई कई बार वीडियोस में बताया हूं कि जब दूसरों की मदद करना हो तो कुछ सेकंड्स वेट करिए, वेट करिए, वेट करिए, वेट करिए, रुकिए, क्योंकि मदद की कोई कीमत नहीं है, कीमत है टाइमिंग की। डूबते हुए इंसान को बचाया तो आपकी वाहवाही होगी, लेकिन डूबते हुए को बचाया, पानी में एक पैर गया है तो बचाया तो वाहवाही नहीं होगी, वो तो डांट के भगा देगा, कह रहे भाई मैं पैर धुल रहा था, कहां आ गए तुम खींचने, समझ गए। तो डूबने दीजिए, डूबने दीजिए मतलब थोड़ा गिरने दीजिए उसको ना, उसकी प्रॉब्लम में गोत्र होने दीजिए। जैसे ऑफिस में भी आप करते हैं, कई बार लोगों की हेल्प कर देते होंगे, काम के क्षेत्र में, घर पे लोगों की मदद करना, लोगों को मदद मांगने दीजिए, थोड़ा सा वेट करिए, जब वेट करेंगे तो सिचुएशन उसकी और थोड़ी खराब होगी। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, कभी कभी मदद नहीं भी करनी चाहिए, उसके पीछे यह है कि उसके जीवन का अपना पैटर्न है, अगर वो मदद नहीं मांग रहा तो यानी वो अपने आप में खुद उस चीज से निपटने के लिए पैटर्न पर है, उस पथ पर है जब वो अपनी चीजों से खुद निपट लेगा, लेकिन अगर वो मदद मांग रहा है तो आपको मदद करनी चाहिए। अगला पैग ऑफ द वॉन्ड्स कहता है कि आप नई नई योजनाएं तो बनाते हैं लेकिन सारी ऐसी की तैसी हो जाती है, डिले हो जाता है, आपकी योजनाओं में दम नहीं होता। आप अपनी योजना को बनाते समय बड़े ध्यान से, बड़े होश में, बहुत चतुराई से काम करते हैं, लेकिन जब उसे लागू करने का समय आता है तो आपको खुद की ही योजना में 75 खामियां दिखनी शुरू हो जाती हैं और इस वजह से आप तनाव में आ जाते हैं। तो आपको तनाव में नहीं आना, आपने एक योजना बनाई, किसी भी चीज के लिए बनाई, योजना बनाते समय किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था, ये भी बहुत बढ़िया है, लेकिन अब जब लागू करने का समय आया है, उस पर काम करने का समय आया है, तो उसमें बहुत सारे संदेह आ रहे हैं। तो इसके लिए खुद का धन्यवाद दीजिए। कैसे धन्यवाद देना है? कि भैया संदेह पहले आ गया, आपने पकड़ लिया, वरना लागू होने के बाद करते तो और नुकसान होता ना। तो इसलिए जो संदेह आया उसके लिए खुद को थैंक यू बोलिए, इसे एंजॉय करिए उस पीरियड को, उस मोमेंट को। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे, और बाहर निकलने के लिए 8 महीने का समय प्लस 2 महीने का समय आ रहा है, तो टोटल 8-10 महीने में आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन और जल्दी भी हो सकता है, और जल्दी होने के लिए सबसे पहले सिचुएशन के साथ, मैंने क्या बताया अभी आपको, गो थ्रू हो जाए, एक ही कार हो जाए। जब आप सिचुएशन के साथ एक हो जाते हैं, जब सिचुएशन को अपना मान लेते हैं और उस सिचुएशन से लड़ना बंद कर देते हैं, तो आप उस सिचुएशन के साथ चलते हैं,
और जब किसी चीज के साथ चलते हैं तो उस चीज के साथ टॉलरेट करना आसान होता है। जब आप एक गति में चल रहे हों, एक गति में चल रहे हों, तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो सकती हैं। सिचुएशन के साथ आपको गतिमान होना है, क्योंकि सिचुएशन तो भाग रही है और आप रुके हुए हैं। आप अपने आप को इस तरह से इन्वॉल्व ना करें जहां आप जो हैं उसकी बजाय कुछ और बन जाएं या कुछ और बनने का एक तरह से दिखावा करें। इसको भी इजी करता हूं, कभी कभी इनकी बातें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो आपको अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो खुद पे विश्वास करना है, लेकिन जो विश्वास खुद पर करना है उस विश्वास पर संदेह नहीं करना। अपने विश्वास पर संदेह करना सबसे बड़ा, अब क्या कहें उसको, मूर्खता कहें या बुद्धूपन कहें, जो भी आप समझना चाहें समझें, बट अपने विश्वास पर तो विश्वास रखिए। अगर आपको विश्वास है कि आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं तो एक्चुअली निकल सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन इतनी गहरी नहीं है जितना आपने बना रखा है। जैसे वो प्रेशर कुकर होता है ना, उसमें कुकर में चीज़ें पकनी शुरू होते हैं तो प्रेशर बन जाता है और उसके ढक्कन को पूरी तरह से खोला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रेशर बन चुका है। तो बिल्कुल सिचुएशन आपकी ऐसी है, आपने प्रेशर बना लिया और प्रेशर को बनने दिया। उस प्रेशर से निकलने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जो मैं अभी थोड़ी देर में पहले समझा रहा था। उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको वेट भी करना पड़ेगा, और जब सिचुएशन से निकलने का मौका आएगा तो आपको खुद का डाउट खत्म करना होगा, खुद पर डाउट नहीं रखना। सिचुएशन में आप फंसे थे, सिचुएशन से आप ही निकलेंगे, और इससे निकलना बहुत आसान है। फ्लोरिंग का जो कार्ड है वो बताता है कि बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में इसको लें कि हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे। जब आप हल्के फुल्के अंदाज में लेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि इस सिचुएशन से निकलना एक्चुअली आसान है। जब तक आप बहुत टाइटनेस रखेंगे, सिचुएशन को कंट्रोल करने की भरसक कोशिश करेंगे, तब तक आप इसमें और फंसते चले जाएंगे। इसलिए संदेह ना करें और अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल ले जाएं। अगली चीज आपको और बता देता हूं जो यहां पर आई है कि इस सिचुएशन से निकलने में, पहली चीज मैंने बताया आपको 8 साल + 2 महीने यानी 10 महीने लग सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन से आप सडन अगर निकलना चाहते हैं, अचानक निकलना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल दुनियादारी की फिक्र करनी जरूरत नहीं है, बंद करनी होगी वो सब। जब आप सेल्फ सेंट्रिक हो जाएंगे, सेल्फ सेंट्रिक में ईगो नहीं है, यहाँ पर बिना ईगो वाला सेल्फ सेंट्रिकनेस है, अदरवाइज सेल्फ सेंट्रिकनेस में थोड़ी ईगो होती है। तो आपको ईगो में नहीं आना, बट सेल्फ सेंट्रिक होना है, यानी आत्म केंद्रित होना है। जैसे ही आप आत्म केंद्रित होते हैं रास्ते आपको मिल जाएंगे, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन आत्म केंद्रित होने का मतलब क्या है जल्दी से बता देना। आत्म केंद्रित होने का मतलब दूसरे के बारे में सोचना विचारना बंद। सिचुएशन में फंसे आप हैं, निकलना आपको है, आपके निकलने से दूसरे को तकलीफ होती है तो तकलीफ दे दीजिए, होने दीजिए तकलीफ, उनको भी दर्द होने दीजिए, बट अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। जब तक आप अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए खुद प्रयास नहीं करेंगे, इस सिचुएशन में फंसे रहेंगे। लेकिन अपनी इनसिक्योर फीलिंग, अपने स्ट्रेस और अपनी योजनाओं की नाकामयाबियों से बिल्कुल परेशान ना हो। वो सब चीज़ें आपके लाइफ का पार्ट हैं जो आपके लाइफ को ग्रो करने में हेल्प कर रही हैं। पौधे में जब खाद डालते हैं तो वो खाद जो है सॉइल होती है ना, एक तरह से सॉइल में मिक्स हो जाती है, या कीटनाशक डालते हैं, मतलब कुछ भी समझें इसको, तो वो यूजलेस चीज़ होती है। जैसे चाय की पत्ती लोग पौधे में डालते हैं घर में, तो चाय की पत्ती जब चाय बन गई, चाय की पत्ती यूजलेस हो गई, तो उस यूजलेस चीज़ को ले जाकर डालते हैं, वो यूजलेस चीज़ काम आ जाती है। तो ऐसे ही ये सारी चीजें आपके काम आ जाएंगी, बट बाद में इनका यूज नहीं रहेगा। ना इनसिक्योर फीलिंग का यूज आपके लिए है, ना उस योजना में फेल होने का यूज है, बल्कि फ्यूचर में आप अपनी योजनाएं सही बना पाएंगे। तो इस तरह से यूज होगा, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, अपने आप को इस सिचुएशन से निकालें, और सबसे इंपॉर्टेंट कूल रहें और खुश दिखें, परेशान बिल्कुल दिखे ना। जितना ज्यादा आप अपने आप को शांत रखेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को, लोगों को ऑब्जर्वेट करके, इस सिचुएशन से टॉलरेट करके बाहर आने का प्रयास करेंगे, उतना जल्दी आप इस सिचुएशन से एक्चुअली बाहर निकल जाएंगे। ये जो अंधेरा आपके जीवन में है, जिस भी क्षेत्र में ये अंधेरा है, इसके कर्ता धर्ता क्रियता आप ही हैं, और चूंकि ये क्रिएशन भी आपका है, अतः इस क्रिएशन से बाहर निकलना भी आपका फर्ज, आपका कर्तव्य है। बट चूंकि आप एक तरह के जाल में फंस गए हैं जहां आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब मैंने ही बना रखा है, ये सारा आडंबर, ये सारा एक तरह से जो लेयर्स पर लेयर्स बनी हुई हैं, ये सब आपकी बनाई हुई हैं, तब तक आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए मैंने कहा कि सिचुएशन के साथ गो थ्रू हो जाएं, लय में आ जाएं, तब आपको पता चलेगा कि इस बस का ड्राइवर एक्चुअली मैं ही हूँ जो ड्राइवरलेस जा रही है, और फिर आपके लिए उसे मैनेज करना बहुत आसान होगा।
तो पाइल नंबर टू आपके लिए आज इतना ही। आज का ये टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जी हाँ, और चैनल को भी शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर थ्री, आप सभी का स्वागत है। आपने अगर प्रिंसेस ऑफ द पेंटिकल्स को चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर है थ्री, और अब आपके लिए रीडिंग करूंगा और बताऊंगा कि आपकी लाइफ में जिस भी क्षेत्र में अंधेरा आप महसूस कर रहे हैं उससे बाहर निकलने के आसान तरीका क्या है। सबसे पहले कार्ड्स को शफल करेंगे ताकि इनका पुरानी रीडिंग से लिंक ब्रेक हो जाए और नई रीडिंग के लिए कार्ड्स बिल्कुल रेडी हो जाए। ओके, पाइल नंबर थ्री, आपके लिए जो पहला कार्ड मेरे पास आया है यह है क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड आपके लिए आया हुआ है हर्मिट। आपके लिए कार्ड नंबर थ्री है थ्री ऑफ द कप्स। नंबर फोर आपके लिए आया है द स्टार। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो आया हुआ है, अपीयर हुआ है, यह है नाइट ऑफ द सोर्ड्स। तो पाइल नंबर थ्री, आप पहली चीज ये समझ लें कि इस सिचुएशन में आप एक्चुअली फंसे नहीं हैं, ये सिचुएशन आपके विरुद्ध नहीं है। इस सिचुएशन में आपका होना बिल्कुल वैसा है जैसे आपको पता नहीं होना कि आप एक्चुअली कहाँ हैं। सिचुएशन आपके फेवर में भी हो सकती है। ये जो अंधकार आप महसूस कर रहे हैं इसमें सिर्फ इतना है कि जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ। जैसा आप फील करते थे कि चीजें होंगी वैसी नहीं हुई, जैसा आप फील करते थे कि चीजें होंगी वैसी हुई नहीं। इसलिए आप डिप्रेस भी हैं, परेशान भी हैं, चीज़ों को बदलना भी चाहते हैं और अपने आप को इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते कि ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं या आप इस सिचुएशन में हैं। थोड़ा पहले चलते हैं। आपने बोला तो है नहीं, आपने कहा भी नहीं, सिचुएशंस बदलती गई, हस्तक्षेप भी आपने नहीं किया। फिर आप सोचने विचारने की मुद्रा में चले गए। आपने प्लान किया कि मुझे एक प्लान बनाना है, प्लान किया कि प्लान करना है, और ये भी प्लान किया कि मैं इस पूरे प्लान का एक तरीके से समझें तो दिशा परिवर्तित कर दूंगा या कर दूंगी। लेकिन उसके बाद आपने सिचुएशन के साथ समझौता कर लिया, इस सिचुएशन में आप रम गए और रमने के बाद में आपने इस सिचुएशन को एंजॉय भी किया, बट अभी आप बैलेंस बनाने में नाकाम हो रहे हैं। सिचुएशन खराब नहीं है, अंधेरा नहीं है आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा, बस आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं और उस बैलेंस न बना पाने में आप अपने आप को जब अक्षम फेल कर रहे हैं, अक्षम मतलब इनकैपेबल, आप कैपेबल नहीं फील कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपकी पकड़ से बाहर जा रही हैं और आप इस सिचुएशन में टॉलरेट नहीं कर सकते। पाइल नंबर थ्री, आपके लिए जेन कार्ड्स की हेल्प लूंगा। आपको यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये जो सिचुएशन है ये एक्चुअली आपके फेवर में आ सकती है या समझे तो अभी भी आपके फेवर में है, आपके विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में चीजों को अपने फेवर में कैसे रखना है, कैसे बरकरार रखना है इसको, ये सब थोड़ा हेल्प लूंगा मैं जेन कार्ड की। जेन कार्ड मेरे थोड़ा परेशान कर रहे हैं, शफलिंग में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं, इनको और शफलिंग चाहिए इनको और शफलिंग चाहिए। ठीक है भैया, और शफलिंग ले लो। हाँ, अब ये थोड़ा स्मूथ हो गए हैं, इनका एक तरह से समझें तो ये लीजिए, इनको अभी शफलिंग और चाहिए, ये बिल्कुल मान नहीं रहे हैं। ओके ओके ओके, तो लेट मी ट्राई कि इनकी शफलिंग कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, इनकी शफलिंग कंप्लीट हो गई है और अब ये बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, जैसा मैं आपके कैमरा को देख करके शफल कर रहा था और ये बिल्कुल सही चल रहे थे। जब तक शफलिंग कंप्लीट नहीं होती, मतलब जब तक कार्ड्स कंफर्टेबल नहीं फील करते, शफलिंग चलती रहती है, वो कार्ड्स का गिरना चलता रहता है, उछलना चलता रहता है, हाथ से फिसलना चलता रहता है, कई चीज़ें चलती रहती हैं। चलिए पाइल नंबर थ्री जल्दी जल्दी करते हैं। आपके लिए इंटीग्रेशन पहला कार्ड, दूसरा कार्ड आपके लिए जो आया हुआ है सेकेंड पोजिशन पर पास्ट लाइफ्स। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि पुरानी चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए ठीक नहीं थी क्योंकि आपने जो विचार किया था, अपने प्लान पर प्लान बनाया था, यानी प्लान के लिए एक प्लान बनाया था, उसमें आप गड़बड़ हो गए और फिर पॉसिबिलिटीज। चौथा कार्ड आपके लिए आया हुआ है ये है क्रिएटिविटी। और आपके लिए जो कार्ड लास्ट में आ रहा है इसका नाम है टोटेलिटी। तो पांच कार्ड आपके लिए आए हैं। अब आप समझें, पहली गाइडेंस जो आपके लिए आई है कि आपको करना क्या है, वो सिर्फ इतना ही करना है
कि सिचुएशन के साथ टॉलरेट नहीं करना है और सिचुएशन को अपने पक्ष में एक्चुअली लेकर के आना है। अभी मैं आपको बता रहा था ना कि चीज़ें आपके अनुसार नहीं हैं, अभी मैं आपको ये भी कह रहा था कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं, मतलब फेवर के अनुसार जैसा आप चाहते थे वैसी नहीं हैं, इसलिए आपको लगता है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं। तो यहाँ आपके लिए जो गाइडेंस आई है, पहली गाइडेंस ये आई है कि सिचुएशन को बिल्कुल अपने पक्ष में लेकर आना है, एनी हाउ कुछ भी करके। अब वो कुछ भी करके में क्या कठोरता रखनी है उसको समझें। अपनी एनर्जी को पहले पॉजिटिव करने की कोशिश करें या बैलेंस करने की कोशिश करें। एनर्जी लेवल आपका बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, इसको आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि परिवार में लोगों का बिहेवियर आपसे कैसा चल रहा है। अगर फैमिली में, फ्रेंड्स में, ऑफिस में कलीग्स आपके साथ एक नॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपको जो लोग नहीं जानते वे भी आपको देख करके नॉर्मल फेस बनाते हैं, उनके फेस पे नॉर्मलनेस रहती है, कुछ भी फीलिंग नहीं आती, देन आपकी एनर्जी ओके है। इसको एक बार चलिए मैं सिंपल और करता हूँ, फैमिली से हटाइए, दूसरे लोगों के बारे में सोचिए। जब आप कहीं जा रहे हों, कहीं बैठे हों, कोई अननोन पर्सन आपकी ओर देखे तो उसके फेस को पढ़ने की कोशिश करिए कि वो आपके बारे में पॉजिटिव फील कर रहा है या निगेटिव। इंसान अगर आपके बारे में निगेटिव फील करता है तो उसकी आंखों से पता चल जाता है, पॉजिटिव फील करता है तो भी आंखों से पता चल जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, तो उस चीज से पता कर सकते हैं। दूसरा, अपने मन को भी आप पढ़ सकते हैं, परख सकते हैं, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट आ जाएगी अगर आपका एनर्जी निगेटिव है, आपके स्वभाव में काफी मीठापन आ जाएगा अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है। तो अगर आपकी एनर्जी निगेटिव है तो उसमें आपको थोड़ी पॉजिटिविटी लानी होगी, और अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो फिर बिल्कुल ठीक है, आपको सिर्फ अपने पास्ट से थोड़ा सा डिसकंटिन्यू होना होगा। लेकिन अगर एनर्जी निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कैसे करेंगे, उसका जो पहला और आसान तरीका मेरे पास आ रहा है वो ये है कि आप अपने बारे में चिंता करें, दूसरों के बारे में चिंता मत करें। अब जब मैं कहता हूँ दूसरों के बारे में चिंता न करें, एनर्जीज निगेटिव कैसे होती हैं, जब आप किसी दूसरे के बारे में इंटेंशन गलत ले जाते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, आपकी एनर्जी निगेटिव हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आप नकारात्मक सोचेंगे एनर्जी निगेटिव हो जाएगी, अपने बारे में निगेटिव सोचेंगे तो भी आपकी एनर्जी निगेटिव होगी। तो अपने आप को खुश रखें, पॉजिटिव रहें, जितना ज़्यादा आप खुद में कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, उतना दूसरों की ओर देखना बंद हो जाएगा और आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। अगली चीज, अगर आप कर सकें, मैनेज कर सकें, तो यहाँ सजेशन आ रहा है, क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स कहती हैं कि गुलाब का एक पौधा अपने घर में लगा लें, रेड रोज अपने घर में लगा लें, और अगर आप घर में नहीं लगा सकते तो आर्टिफिशियल रेड रोज ला करके ऐसी जगह पर घर में रखें जहां पर आपकी निगाह उस पर पड़ती हो, उसकी एनर्जी, हालांकि आर्टिफिशियल वाले की 50% ही काम करेगी, बट दो दिन का मिलाए तो 50-50, 100% होता है ना, तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा बट काम कर जाएगा। अगली चीज, आप संभावनाओं पर विचार करने की बजाय उन चीजों पर विचार कर रहे हैं जो घटित हो चुकी, जो बीत गया, अभी क्या क्या संभावना बाकी है उस पर विचार नहीं हो रहा है, अभी इस चीज पर आपका विचार हो रहा है क्या क्या बीत गया, क्या क्या खराब हो गया, अच्छा ऐसा बुरा हुआ, वैसा बुरा हुआ। तो वो जो वो सोचना है ना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो वर्तमान में जो अच्छी चीजें हैं उसके ऊपर, उसके ऊपर भी पर्दा डाल देता है, उसको भी आपको देखने नहीं देता, तो उस चीज से डिटैच हो जाएं। तो जब उस चीज से डिटैच होंगे तो वर्तमान पर आ जाएंगे, और जैसे ही वर्तमान पर आएंगे चीजें पॉजिटिव दिखनी शुरू हो जाएंगी, और एक बार पॉजिटिव चीजें दिखनी शुरू हो जाएं तो बस आपको आगे बढ़ के उन्हें ग्रैब करना है। और इसीलिए मैंने कहा एनी हाउ आपको आगे बढ़ना है, उस चीज को पकड़ना है, लेना है, लेकिन इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, दोनों में फर्क है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ आत्मविश्वास की जरूरत है, यहां आपको ट्रस्ट का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास हो, खुद पर ट्रस्ट हो तो मामला चल जाएगा। लेकिन जब ट्रस्ट की बात करता हूं तो ट्रस्ट थोड़ा दूसरे पर भी होना चाहिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर भी ट्रस्ट करें, आपने हाथ बढ़ाया तो वो भी हाथ बढ़ाएंगे, और इस तरह से सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा मैटर है जहां आपका दिल दुखा है या दिल टूटा हुआ है, तो वहां आपको अपने आप में संतुलन स्थापित करने की घोर आवश्यकता भी है। आप जितना संतुलित व्यवहार करेंगे उतने सरल होते जाएंगे, उतने मृदुल नरम होते जाएंगे, और उतना ज्यादा लोग आपको पसंद करते जाएंगे। लेकिन अगर आप टूटने के बाद, दिल टूटने के बाद में खुद को रफ एंड टफ बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी नकारात्मक एनर्जीज बढ़ जाएंगी और आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। मॉचो मैन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, रफ एंड टफ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट उसकी एनर्जी नेगेटिव होती है, वो एनर्जी रिवर्स हो रही होती है। इसलिए कोई भी पर्सन जो रफ एंड टफ हो, बहुत ज्यादा मॉचो मैन जैसा पर्सन हो, लड़की लड़का कोई भी हो, धीरे 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 उनके संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उनकी एनर्जी निगेटिव हो रही होती, तो उन्हें पॉजिटिव करना है। अगली चीज आपके लिए आई है कि आप
इस सिचुएशन में जब आप ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, जैसा मैंने बता दिया कि सिचुएशन फेवर में है, कोई नुकसानदेह सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ऑकवर्ड फील कर रहे हैं तो इस पूरी सिचुएशन को सबसे पहले तो एडॉप्ट करें, फिर अपने अनुसार ढाल ले जाएं, अपने मन में ही अपनी माइंडसेट को चेंज करें और अपने अकॉर्डिंग इस पूरी सिचुएशन को ढालने का प्रयास करें, तो ये चीज़ आपके अनुसार ढल जाएगी। और आपको अपनी एनर्जी पर थोड़ा काम करना है, पॉजिटिव करनी है अपनी एनर्जी। अब यहाँ टाइमलाइन की बात करते हैं कि कितने समय में आप इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। 3 महीने के समय में आप बाहर आ जाएंगे, समस्या कितनी भी नई और कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगना है। लेकिन इस टाइम के न लगने में, मतलब इससे ज़्यादा का जो टाइम नहीं लगना, वो सिर्फ उस समय होगा जब आप अपने साथ सख्ती करेंगे और अपने साथ कोई समझौता नहीं करेंगे कि आपको इस सिचुएशन में चीज़ें बेटर करनी है, अपनी सोच का नज़रिया, अपना थिंकिंग पैटर्न थोड़ा सा बदलना है, परिवर्तित करना है, और तब चीज़ों को आप सही ढंग से मैनेज भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए। फाइल नंबर 3, एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने अंदर के पैशन को, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को मारना नहीं है। अगर आपको फील होता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको एक्चुअली करना चाहिए, तो उस पर आपको सचमुच गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आपका अपना जो स्वभाव है वो बहुत ही क्रिएशन वाला है, नई नई क्यूरियोसिटी वाला है, तो उसको मारे नहीं, उसको यूज़ करें, क्योंकि वो चीज़ आपको हमेशा मोटिवेट रखेगी और आगे रखने का काम करेगी। तो फाइल नंबर 3 आपके लिए आज इतना ही। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलते चलते याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग करता हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप नंबर है, मेरी टीम इसको हैंडल करती है और मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी मुझसे कनेक्ट होने के लिए। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे। तब तक बाय बाय।